ओ माय गॉड, सुधीर चौधरी को पूरी तरीका से वाट लगा दिया नेपाल के पत्रकार रवि लामिछा ने। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के ये एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट है जो कि न्यूज़ 24 नाम के चैनल पर काम करते हैं। दोस्तों जब सुधीर चौधरी नेपाल आए थे और वो ये बड़ी बड़ी जो बयानबाजी करके गए हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में, तो इन्होंने उनको फोन लगाया और वो सुधीर चौधरी साफ साफ तरीके से दोस्तों नहीं आया इनसे इंटरव्यू करने। और क्यों नहीं आया हम आगे बात करेंगे दोस्तों, क्यों डर गया सुधीर चौधरी इस इंटरव्यू करने से इस नेपाली पत्रकार के साथ में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों नेपाल के मेन स्ट्रीम मीडिया में से एक माना जाता है न्यूज़ 24, जिसमें एक बहुत ही अच्छा जर्नलिस्ट है जिनका नाम है रवि लामिछाने, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चलाते हैं जिसका नाम है सीधा कूड़ा जनता संघ, जिसमें दोस्तों वो डायरेक्ट पीपल टू पीपल कनेक्ट होकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो लोगों की, जनता की और नेता की इंटरव्यू करते हैं और जो एक्चुअल प्रॉब्लम होती है उसके ऊपर वो बात करते हैं। तो जब ये भारत की ये गोदी मीडिया की ब्रांड एम्बेसडर ये सुधीर चौधरी वहां पर गया था नेपाल में और वहां पर ये बयानबाजी देकर आया था कि भारत को क्लेम करना चाहिए सगरमाथा के ऊपर यानी माउंट एवरेस्ट के ऊपर, और उसका नाम चेंज करके माउंट सिकंदर रख देना चाहिए था, तो इसके ऊपर नेपाल के जर्नलिस्ट रवि लामिछाने ने बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ और वो कॉल लगाए सुधीर चौधरी को। पहले बात सुन लीजिए दोनों का, सुधीर चौधरी का और रवि लामिछाने का जो बात हुआ है कॉल पे वो बात सुन लीजिए, फिर बाद में हम बात करेंगे कि किस तरह वो डर गया सुधीर चौधरी और इंटरव्यू में आने से और बाद में जवाब ही नहीं दिया। पहले सुनिए ये कॉल। सो यू वांट टू डू वीडियो और यू वांट टू डू ऑडियो? वीडियो इज बेटर इफ यू वांट टू डू अ वीडियो। आई हैव अ शो दैट इज लाइव, इट्स टुनाइट। इफ आई कैन हैव यू on a video call, that would be great, because yeah, when you do a live, it's I prefer that, and if not, I can do audio. So let's do one thing, Ravi. Yeah. So let's do one thing. Mm-hmm. Right now I'm having lunch. Okay. Let me reach office, and can you call me, say, after 2 hours? Yeah, I can do that. And then we'll do it. That's fine. Huh? After 2 hours? Done. So after 2 hours, yeah. Okay, all right, fine. Okay. All right. Yeah. All right. Bye. Okay. This is my number. Okay. Ravi, one more thing. Yeah. Can you just send me the questions you want to ask me? Question. You can WhatsApp me. Are you serious? So that you're a journalist and you're asking a journalist to send a question before having an interview? That's no, so funny, man. But then, no. But then I will be, you know, I'll mentally be prepared for those kind of questions. It's based on whatever you research. It's based on your recent interview with the Prime Minister and your recent program, and you know, it's about the recent issue that is going on. Your statement, your campaign, your interview, your program, and everything. रवि लामिछाने सर, ये भारत है, भारत के जितने भी मीडिया है आई थिंक 80% जो इंटरव्यू होते हैं ना फिक्स्ड होते हैं, पहले ही से क्वेश्चन दे दिया जाता है नेता को या जनता को कि आपके साथ ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप प्रिपेयर्ड होके रहिए, तो उनका वो आदत है, इसलिए वो आपको भी बोला होगा कि आप क्वेश्चन मुझे मेल कर दो या व्हाट्सअप कर दो, मैं क्वेश्चन पढ़ के मैं प्रिपेयर्ड हो जाऊंगा कि मुझे बोलना क्या है। तो शायद आपकी तरह वो पत्रकार नहीं है, वो पत्रकार है, जो कि नेपाल में आप लोग बोलते हो ना पत्रकार, वही है वो लोग पत्रकार जो सीधा डायरेक्ट इंटरव्यू देने से डर रहे हैं। और जब रवि लामिछाने जी उनको बोला कि आपसे इंटरव्यू करना है, आप ऑडियो पे भी आ सकते हैं, वीडियो पे भी आ सकते हैं, तो सुधीर चौधरी ने कहा अभी मैं लंच कर रहा हूँ, 2 घंटे बाद मैं आपसे कॉल करूंगा, तब तक आप व्हाट्सअप कर दो क्वेश्चन क्या क्या करते हो। तो इतने में रवि लामिछाने जो नेपाल के पत्रकार है वो तंज कसते हुए कहा कि सीरियसली आप एक पत्रकार हो, इतने बड़े पत्रकार ये बोल रहे हो आप कि क्वेश्चन आप भेज दो, मैं प्रिपेयर्ड होके तब आपसे इंटरव्यू करूंगा। लाज आना चाहिए कि आप एक इतने बड़े चैनल के बड़े पत्रकार हो। सच में दोस्तों पत्रकार के नाम पे ये बहुत बड़ा कलंक है, जो आदमी खुद इंटरव्यू नहीं दे सकता है, ऐसे ही अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे और आप इंटरव्यू नहीं दे सकते हो, प्रिपेयरिंग होने के लिए आप क्या कहूं यार, आप प्रिपेयर होने के लिए क्वेश्चन मांग रहे हो, सीरियसली नाक कटा दियो आप भारत के उसके सामने। और
नेपाली मीडिया में जाकर देखो आपका थूथू हो रहा है मेरे भाई। सुधीर चौधरी जी, अगर आप मेरे ये वीडियो देख रहे हो तो शर्म शर्म करो, थोड़ा सा शर्म करो। आप पत्रकार हो, इतने बड़े पत्रकार, जो कि हम तो नहीं मानते हैं कि आप पत्रकार हो, जिस तरह की आपकी आदतें हैं मैं पत्रकार नहीं समझता हूं। दो देशों में लड़ाने के ही काम करते हो, चाहे भारत पाकिस्तान हो, चाहे भारत नेपाल हो, चाहे कुछ भी हो, आपको सिर्फ टीआरपी से मतलब रहता है, कैसे टीआरपी खींचा जाए। जैसे कि अभी नेपाल के बारे में कुछ दिन पहले ओली की इसकिया चीन के गोदी में जाके बैठ गया है नेपाल, ऐसे ऐसे आप प्रोग्राम चला रहे थे टीआरपी के लिए। जब आपका टीआरपी बढ़ गया, फिर बाद में जब नेपाली लोग समझ लगे कि आपका जो चैनल है वो एकदम खटारा है, बेकार है, गंदा है, बकवास है, नहीं देख रहा था लोग, तो आप आए, इंटरव्यू किए केपी शर्मा ओली जी का, जो कि मुझे 80% चांस लग रहा है कि आप भी उनको क्वेश्चन जरूर दिए होंगे। जिस तरह वो एकदम से मजा से आपका क्वेश्चन का आंसर कर रहे थे ना, मुझे कहीं ना कहीं ये खटक रहा था, लेकिन पता नहीं वो है कि नहीं है। मैं अपने ही आपके इस चाल से मुझे कहना पड़ रहा है कि शायद आपने भी उनको क्वेश्चन दिया हो कि मैं ये पूछने वाला हूँ, आप आंसर दीजिएगा। क्योंकि वो जब आंसर दे रहे थे तो थोड़ा सा भी हिचक नहीं रहे थे, तो इससे पता चलता है कि शायद आप उनको क्वेश्चन जरूर दिए होंगे। तो एनीवे, उनका जो जवाब था वो बहुत ही जबरदस्त था, जो नेपाल के लिए वो पहले मांग कर रहे थे वो आज भी वो मांग कर रहे हैं, तो वो तो चलता है। लेकिन जब आप ये माउंट एवरेस्ट को लेकर आप बयानबाजी किए थे कि भारत को क्लेम करना चाहिए, भारत को नाम चेंज कर देना चाहिए माउंट एवरेस्ट का, इसका नाम माउंट सिकंदर रख देना चाहिए, आपको अधिकार किसने दिया है ये क्लेम करने का, ये नेपाल का टेरिटरी है, ये नेपाल का संपत्ति है, आप होते कौन हो ये कहने वाला कि नेपाल की ये संपत्ति का नाम चेंज हम कर देंगे, क्योंकि आप मेजरमेंट कर दिए थे, आपके लोग ने मेजरमेंट वहां पर कर दिया था। अगर मैं बुरा मत मानना, एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, उस कमेंट के ही आपको सुनाना चाहूंगा कि अगर आपकी बीबी किसी टेलर के पास जाए और वो अपना माप दे, और बाद में वो टेलर कहे कि ना मैंने इसको मापा है और मेरे ही ये प्रॉपर्टी हो गया, मेरे ही नाम से अब ये रजिस्टर्ड होगी, तो आपको कैसा लगेगा? थिंक अबाउट इट। तो ऐसे नाप देने से किसी का नाम आप चेंज करने का आपको अधिकार नहीं मिल जाता है। थिंक यार, कुछ भी मत बोला करो, आप समझो आप बहुत बड़े पत्रकार हो, और नेपाल के जो पत्रकार है रवि लामछाने, उनसे आप बात ना करके ना, जो आप उनको डेट दे दिए थे कि 2 घंटे बाद हम लोग कॉल करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, और आप जब उनके इंटरव्यू पे नहीं आए, तो सबसे बड़ी तो आपकी थूथू वहीं पर हो गया कि आप अपने वचन की पक्का नहीं है, आप अपने जबान का पक्का नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे कि शायद क्या क्या वहां पे क्वेश्चन वो रवि लामछाने पूछ देगा, मुझे अगर जवाब नहीं दे पाऊंगा तो बेइज्जत हो जाऊंगा, तो आप तो ऐसे भी बेइज्जत हो गए ना। कॉल रिकॉर्डिंग है भाई, बहुत जमाना आगे बढ़ गया है, आपका जो कॉल रिकॉर्डिंग हुआ है वो रवि लामछाने सुना दिया, और वहां पर वो ठोक के बोल रहा है कि वो आने से डर गया। तो सच में तुम डर गए हो, तुमको जवाब देने के लिए नहीं था तुम्हारे पास कि पता नहीं वो क्या पूछेगा और मैं जवाब दे पाऊंगा या नहीं उसके बातों का, तो इसलिए तुम इंटरव्यू पे नहीं आए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सुधीर चौधरी डर गया या ऐसे ही नहीं गया इंटरव्यू पे, या पत्रकार रवि लामछाने के डर से नहीं वो इंटरव्यू पे गया कि मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ लेगा? दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि सुधीर चौधरी डर गया या नहीं डरा, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि हम नेपाल से रिलेटेड हर एक वीडियो सत्य तथ्य के साथ लाते रहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक ख्याल रखें अपना और अपने चाहने वालों का। धन्यवाद, खुदा हाफिज, जय नेपाल, जय हिंद।